हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ। और आज के इस वीडियो में ना, देखिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली हुई है कि कंगना रनावत को लगाया चाटा। तो देखिए, ये चाटा किसने लगाया है, क्यों लगाया है, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भाजपा की नई लोकसभा सांसद कंगना रनावत को सीआईएसएफ महिला जवान कुलविंदर कौर ने लगाया चाटा। तो देखिए, यही है कुलविंदर कौर और इन्होंने ही कंगना रनावत को चाटा लगाया है। तो देखिए, ये चाटा क्यों लगाया है। तो देखिए, जब एक किसान आंदोलन हुआ उस टाइम ना, आंदोलन में महिलाओं ने भी काफ़ी भाग लिया था। तो उस टाइम कंगना रनावत के द्वारा ना एक ऐसा बयान दिया गया था कि ये महिलाएँ 100-100 रुपये के लिए यहाँ पर बैठी रहती हैं। तो देखिए, उस टाइम जो कुलविंदर कौर है, इसकी माँ भी उस आंदोलन में बैठी हुई थी। तो देखिए, इसलिए इन्होंने इस पर चाटा लगाया है। और चाटा लगने के बाद क्या बोली ये चलिए देखते हैं। उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। तो देखा आप सभी ने, एक चाटे के लगते ही कंगना ऐसे हो गई जैसे कि कोई भीगी बिल्ली हो, और शायद ही ये इस चाटे को कभी भूल पाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम किसी के बारे में उल्टा बोलते हैं तो उसका जवाब उसको कभी ना कभी तो जरूर मिलता है। और ऐसा कुलविंदर कौर जी ने करके दिखाया है। अब देखिए, ये ना राजनीति में तो आ गई है, लेकिन राजनीति को ना इसको जरा सा भी ज्ञान नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए, हम एक क्लिप देखते हैं और इस क्लिप के अनुसार आप सभी को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए देखते हैं। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए। तो देखा आप सभी ने, इसको ये नहीं पता कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री सुभाष चंद्र बोस जी थे या फिर श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो देखिए, ये अब इसको कौन समझाए। और अब इसके पिटने के बाद ना हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने क्या बोला है, चलिए देखते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी का काम होता है सिक्योरिटी करना, उनके काम में दूसरी बात कोई भी होती नहीं है। ये तो ऐसी कहावत होगी कि अगर बाढ़ खेत को खाने लग जाएगी तो खेत कैसे बचेगा। इसलिए सिक्योरिटी एजेंसी का अपना काम होता है, उनको अपना काम करना चाहिए। तो देखा आप सभी ने, सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर जी के द्वारा ऐसा काम किया गया है कि कंगना रनावत ही क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो गई है। और ये बात बिल्कुल एकदम आग की तरह पूरे देश में फैल गई है कि कंगना रनावत को चाटा लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। थैंक यू।